हाँ तो गैस, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और बंदे मेरे से बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि यार हमको भी कंपेनियन चाहिए, हम कैसे कंपेनियन अनलॉक कर सकते हैं, या फिर हम अगर उसे परचेज़ करना चाहें तो कैसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे, तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, या फिर मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा हूँ, ना कोई फेक ट्रिक आपको बताऊँगा। जो जेन्युइन चीज़ है वही आपको बताऊँगा, जिससे आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी और आप भी फिर समझ जाओगे कि किस तरीके से आप भी इस तरीके से जो भी आप कंपेनियन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारे के सारे आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कंपेनियन की लिस्ट जो है वो BGMI में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यार। इतने इवेंट आ गए, इतने कंपेनियन आ गए और मेरे को पता भी नहीं चला। जो बाकी ये जो डॉग वाला था ये तो हालांकि मेरे को पता था, और जो कैट वाला था वो भी मेरे को पता था। ठीक है, और अपना गॉडज़िला बडी वगैरह, कॉन्ग बडी, इन सब के मेरे को था। ये पेंगुइन वाला तो भाई मेरे को देखने में भी नहीं मिला कि कब आया था, किस टाइम आया था। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम मैं ना खेलता हूँ या फिर मैंने बीच में कभी कभार स्किप भी कर दिया था BGMI, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी। हो सकता है उस बीच में ये इवेंट आ गया हो, तो इस वजह से मैं इनको नहीं पता कर पाया हूँ कि यार ये कब आए कब नहीं आए। बाकी ये वाला भी मेरे को नहीं पता कि ये वाला भी कब आया था, ये तो मैंने आज ही देखा है। वरना इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो मैंने कंपेनियन के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इनको अभी तक नहीं लिया है तो आप इनको कैसे ले सकते हो, अगर फ्री में लेना है कैसे ले सकते हो, परचेज़ करना है तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखें, मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि BGMI के अंदर जो भी कंपेनियन आते हैं उनका एक इवेंट आता है। ठीक है, आपको उस इवेंट के अंदर ही कंपेनियन को कलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप जो है वो कंपेनियन ले सकते हो। ठीक है, फैल्कन को छोड़ के, जी हाँ मैं फैल्कन की बात कर रहा हूँ, जो आपको कबूतर दिखता है वो फैल्कन जो है वो आपको शॉप में मिल जाता है। ठीक है, और उसका क्या लोचा है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले मैं इन सारे कंपेनियन की बात कर देता हूँ। तो ये जो कॉन्ग वाला आप देख रहे हो, कॉन्ग और गॉडज़िला का कंपेनियन, ये जो गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, कॉन्ग का एक थीम्ड मोड आया था इरेंगल के अंदर, आपको पता होगा, और भी बाकी उसमें मैप्स में आया था। तो इस इवेंट में क्या हुआ था, इस इवेंट में अगर आप जो कुछ मिशंस थे, टास्क थे, वो सब अगर आप पूरे करते तो आपको ये कंपेनियन फ्री में भी मिल सकते थे, या फिर आप स्पिन करके परचेज भी कर सकते थे, इस तरीके का था। और मेरे हिसाब से इसमें भी वो था कि आप जैसे स्पिन वगैरह कुछ करते हैं तो उसमें इसी तरीके से कुछ था, कोई इवेंट टाइप का आया था, UC स्पेंड करके आप उसको कंप्लीट करोगे तो आपको मिल जाते। जैसे अभी आप देखते हो पबजी मोबाइल में एक न्यू सुपर कार आई है, तो इसी तरीके से आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कंपेनियन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन सबका जितना भी इवेंट आए थे वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाले तो आप अभी करंटली कुछ भी कर लो, आप ये वाले तो परचेज़ नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके से इनको अनलॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चांस है आपके लिए, चांस ये है कि इन फ्यूचर अगर कभी भी इस तरीके का इवेंट आता है तो ये वाले जो कैरेक्टर, ये वाले जो कंपेनियन है, ये दोबारा से आपको एक मौका मिलेगा कि आप इनको दोबारा से कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि एक बार अगर आ गया, एक बार कंपेनियन आप नहीं कर पाए हो कलेक्ट, तो क्या ये दोबारा नहीं आएंगे? दोबारा बिल्कुल आएंगे, कोई ना कोई कंपेनियन आपको दोबारा देखने के लिए इवेंट में ज़रूर मिल जाएगा। और उस टाइम आप अगर मिस नहीं किया तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो UC स्पेंड करके, और जो भी उनकी लकी स्पिन वगैरह जो भी आते जिस भी हिसाब से आता है उस तरीके से आप इनको कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ फैल्कन ही एक ऐसा कंपेनियन है जिसमें हमें गो दिखा रहा है, यानी कि इसको हम परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको भी हम क्लिक करते तो यहाँ पर लिखा था आइटम इज़ नॉट अवेलेबल येट, ये वाला मैसेज देखने को मिलता है। तो इन्होंने BGMI का अभी 2.5 वर्जन चल रहा है, इसमें अभी इन्होंने शॉप में जो है कंपेनियन वाला अभी अपडेट नहीं क्या है, आप इसको भी अभी परचेस नहीं कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाए, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत जल्दी हुई थी। BGMI बैन हो गया, फिर अब अनबैन हुआ है, और अभी बेसिकली बताऊं तो अभी एक टेस्टिंग ही चल रही है, 3 महीने पूरे होंगे, सितंबर में फ्यूचर डिसाइड होगा BGMI का क्या है, प्रॉपर तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, जैसा भी होगा वो मैं चैनल पर आपको बता दूंगा। लेकिन बात करते हैं कंपेनियन की, तो मैं आपको बता दूँ कि आगे फैल्कन को छोड़ के जितने भी कंपेनियन हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट के द्वारा ही कलेक्ट किए जा सकते हैं, और कोई उनका रास्ता नहीं है। और जो फैल्कन है वो आपको मे बी नेक्स्ट अपडेट में आपको शॉप में देखने के लिए मिल जाएगा, 700 या 800 UC का शायद से, वो आप परचेज़ कर सकते हो और फिर आप कंपेनियन को अपने यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, यही एक वीडियो थी इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत बंदे जो पूछ रहे थे सवाल, होपफुली उनको जब जवाब मिल ही गया होगा। तो ये सब चीज़ें आप सर्च करना बंद कर दीजिए, जब इवेंट आएगा ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को भी बेल को भी ऑन करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।